मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण और राम राम सीताराम। केम छो? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी मैं और देवू नीचे आए हैं, वैसे आज छुट्टी वाला दिन है इसलिए पूरा पार्किंग भरा हुआ लग रहा होगा आपको। तो आज कोई ये नहीं डर होगा कि कार आएगी जाएगी, तो यहाँ कुछ कार आएगी लेकिन उतनी नहीं होगी जो ऑफिस के टाइम पर होता है। और अभी बज गए हैं 11:30 और मैं और देवू नीचे आ गए हैं। अभी जगू के फ्रेंड के यहाँ गए थे तो उसको वहाँ छोड़ के आए हैं, लेकिन वो भी थोड़ी देर बाद शायद नीचे आएंगे दोनों। तभी मैं और देबू यहाँ पे खेलेंगे। देबू क्या करेगा नीचे? खेलू खेलू करेगा? और देबू अपनी कौन सी वाली कार लेके आए? कौन सा कलर? विच कलर? ब्लू। दिखा दो सबको। ब्लू कार। ब्लू कार, ब्लू कार। सबको बोल दो जय श्री कृष्ण। जगू दीदी अभी अपने फ्रेंड के साथ आएंगे, ओके? सबको बोल दो। देवू जगू दीदी फ्रेंड। हाँ, जगू दीदी फ्रेंड। सबको बोल दो जय श्री कृष्ण। सीताराम। सीताराम। केम छो? मजामा। पजामा। मजामा। पजामा नहीं, पजामा नहीं, मजामा। पजामा। मजामा। पजामा। अरे देवू जानबूझ के बोल रहे हो तुम ऐसे? हाँ पजामा नहीं, मजामा। पजामा पजामा नहीं होता है, मजामा। अरे इधर इधर देखो, इधर देखो आता तो कहता कि चिड़िया उड़ रही है। प्लेनू दिखाओ, प्लेनू जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो अभी जगू की फ्रेंड आएगी नीचे तो बस वो अभी खेलने में लग गई। तो अभी जगू हैप्पी हो गई है कि उसकी फ्रेंड नीचे आना खेलने में लगी हुई है। वैसे अभी देखो सो रहा है, अगर हम जब ऊपर जाएंगे और वो जग गया होगा तो फिर एकदम जिद करने लगा कि मुझे नीचे जाना है, नीचे जाना है। और अगर वो हम जब ऊपर जाएंगे तब वो सो रहा होगा तब तो कोई वो नहीं होगा, लेकिन हाँ उसको ना आदत है, जब भी उठेगा कहेगा घूमी चलो घूमी चलो। तो देखते हैं जब वो उठता है तो वापस नीचे आते हैं या नहीं आते, क्योंकि अब तो शाम हो गई तो कहीं बाहर तो जा नहीं पाएंगे हम लोग, तो बस यही नीचे आके वापस खेलेंगे अभी। और मैं भी थोड़ा वॉक कर रही थी, जगह अपनी साइकिल चला रही थी, वो अपना पत्थर से मिट्टी से उन सबसे खेल रही है और मैं यहाँ पर बैठ रही थी, बैठ गई हूँ, फिर वापस वॉक करूँगी और वो सब हो गया। तो ऐसा होगा, ठंडी है तो अच्छा लगता है, ठंडी हुई है इसलिए। और देखो आज मतलब जग ही रहा था, रचा छुट्टी वाले दिन तो ऐसा ही करता है, उसको यही लगता है कि अगर घर पे सब लोग हैं तो कहीं घूम ही जाएंगे, इसलिए वो सोता ही नहीं है। लेकिन फाइनली जब भैया मैच खेलने गए तो वो फाइनली सो गया, फिर भी 1 घंटे बाद सोया वो, आई थिंक 4:30 बजे सोया है वो। बहुत जिद कर, नहीं सोना है मुझे, ये करना है मुझे, खेलना है, टीवी देखना है, ये करना है वो करना, बस वही करे जा रहा है और फिर सो गया वो अभी। तो अभी शाम का टाइम है और मैं जब 6 बज गए हैं और मैं जगू के साथ नीचे आई हूँ, देवू नहीं आया क्योंकि देवू अभी सो रहा था, क्योंकि आज वो लेट सोया है, आई थिंक 4:30 बजे सोया है तो इसीलिए वो नहीं सो रहा है अभी। तो अभी मैं जगू के साथ आई हूँ और अभी जगू साइकिल चला रही है और अभी थोड़ी सी ठंडी लग रही है, 2-3-4 दिन से तो एकदम गर्मी हो रही थी लेकिन अभी ठंडा लग रहा है, आज थोड़ा सा ठंडा है। और ये ना देबू ना बालकनी से और खिड़की से फेंकता रहता है मेरे कमरे वाले से, तो ये देख के नीचे गिर गया था। तो आज और वैसे बीच में अटका हुआ था बालकनी के, तो नीचे आ पा रहा था ना से, और बालकनी से ना ले नहीं पा रहे थे हम लोग, तो नीचे गिर गया था। तो फाइनली आज वो नीचे गिर गया तो आज मैंने ले लिया है, नीचे गिर गया था इसलिए। वो कुछ भी चीज़ नीचे फेंकता रहता है, तो आज ये फेंक दिया था कल, आई थिंक ये तो 4-5 दिन से फेंक दिया था लेकिन आज ले लिया क्योंकि आज एकदम नीचे आ गया था, वरना बालकनी के लेनिंग्स में से लटका हुआ था ना, वहाँ पे हाथ नहीं पहुँच रहा था किसी का भी, तो फाइनली आज ले लिया है। और जगू अभी छुप छुप के खेल रही है मेरे साथ, उसको लग रहा है कि मैं उसको ढूंढ रही हूँ, लेकिन मैं ये कोशिश करी वो साइकिल चलाए क्योंकि उसको साइकिल चलानी थी इसलिए वो नीचे आई थी, और ये नीचे गिर गया तो ले लिया। अभी देबू फिर से फेंक दिया क्योंकि आजकल वो सब कुछ सामान फेंकता रहता है बालकनी से, टीवी का रिमोट फेंक दिया था, जो भी टॉयस आते हैं वो सारे फेंक देता है, और फिर बताता भी है कि मैंने फेंक दिया बालकनी से, फेंका फेंक दिया। तो अभी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ना खिड़की खुली रख सकते हैं ना बालकनी, तो इसलिए बहुत खेल लिया। तो अभी बस हम लोग ऊपर जा रहे, तो ऊपर जाके देखते हैं जगू देबू उठा है या नहीं उठा है, वो परेशान कर रहा था या नहीं कर रहा था घर पे किसी को, तो और वो आके जिद करता है या नहीं, अभी शायद सो ही रहा होगा शायद, या फिर उठ गया होगा पता नहीं, तो ऊपर जाके देखते हैं। तो
गई है कि उसकी फ्रेंड नीचे आ गई है, तो अब उसके साथ वो फिर से साइकिलिंग करेगी। अभी तो वो अपनी साइकिल लेने गई है, पहले उसके फ्रेंड के यहाँ गए लेकिन उसका तब मूड नहीं था नीचे आने का, लेकिन अब वो आ गई है अपनी मोम के साथ, तो अभी वो खेलेगी। क्या हुआ जग्गू? तू नीचे आ गए? धीरे 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 धीरे। तो वो एकदम तेज़ी से साइकिल चला रही है, तो मैंने कहा धीरे, क्योंकि अभी पार्किंग में कार आती रहती है, तो थोड़ा धीरे चलाना होता। जैसे हम लोग ऊपर आए तो देबू उठ गया था, और उठते ही सीधा करने लगा घूमी चलो घूमी चलो। जैसे हम लोग घर पे एंटर हुए कह रहा है घूमी चलो घूमी चलो घूमी चलो। और देखिए अभी उसको मैंने टीवी उसको देखना था, तो उसको पेपर पिक लगा दिया चैनल पे, तभी वो देख रहा है। देखिए सोफे बैठा हुआ है अभी, तो अभी वो टीवी देखने में लगा हुआ है। मक्खी मार रहे हो? बोतल से देखो मक्खी मार रहे हैं। कैसे मारता है बताओ ज़रा, कैसे मारता है बताओ। तो देबू क्या खा रहा है? देबू इधर इधर, नहीं 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 वो नहीं छूना है, गार्डन का लगा रहे हैं देखो। हाँ कार, हाँ कार। तो देबू क्या खा रहा है बताओ? कार। देबू खा रहा है पलाठा बुकनो। अरे उधर जाके कैसे, अभी देबू कैसे कर रहा था? बस 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 बस, अभी देबू कैसे कर रहा था? ऐसे नच्चू कर रहा था क्या बोतल के साथ? तो देबू खेल खेल के पराठा खा रहा है, अच्छी बात है। वैसे कल मैं लेके आई थी सुबह, तब पराठे नहीं खा रहा था खेल खेल में भी। ये धीरे 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 लग जाएगी जो तू भागा। देबू भागा। मैं जग्गू को लेने जा रही हूँ, जग्गू को आने का टाइम हो गया है, लेकिन देबू भी नहीं आ रहा है। देबू लेने के वक्त नहीं आता है, कभी कभार ही आता है, लेकिन सुबह रोज छोड़ने आता है, और मैं सुबह का शुरू नहीं कर पाती क्योंकि उसकी चेतावनी बढ़ गई है और उसका खेलना बढ़ गया है, मतलब बहुत ध्यान देना पड़ता है। और पास में रेस्टोरेंट भी खोला है, तो वहाँ पर भी वो सब कुछ सामान रखा होता है, इसलिए बहुत ध्यान देना पड़ता है उसका। तो मैं नीचे आ गई हूँ, तो उसको बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे लोग आते रहते जाते हैं, वहाँ पे तो बहुत सारा सामान भी रखा होता है, इसलिए बहुत ध्यान देना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मशीन, वो भी रखा है मशीन का, वो भी गर्म होता है ज़्यादातर, इसलिए ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है उसका। और आज ना गर्मी बहुत थी दोपहर में, और बाहर आके लग रहा है कि हवा थोड़ी सी ठंडा ठंडा लग रहा है, आज जो इतने दिनों बाद एसी ऑन किया है, क्योंकि बहुत ही गर्मी लग रही थी इसलिए। और धूप भी बहुत बढ़िया वाली निकली आप देख सकते हैं, और ऊपर अगर देखें तो ऐसा लग रहा है सामने की तरफ की बारिश जैसा है, एकदम मिट्टी उड़ रही वैसा लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है अभी तो। लेकिन यहाँ पे मौसम का कुछ पता नहीं चलता, कभी भी वो हो जाता है। अभी धूप निकली थोड़ी देर बाद मिट्टी भी उड़ने लगती है, या फिर बारिश जैसा हो जाता है। अभी तो ऐसा ही चल रहा है, और एक तरफ ठंड भी चल रही है। और देखो नीचे आ गए हैं, देखो अभी 5:30 बजे हैं। हाँ तो अभी हम लोग पार्किंग में आ गए हैं खेलने के लिए, अभी देखते हैं देखो अगर पार्किंग में खेलेगा तो ठीक, वरना फिर गार्डन लेके उसको मैं जाऊँगी, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी वैसे लग रही है, तो मुझे जाने का वैसे नॉर्थ पार्क जाने का, क्योंकि दूर है थोड़ा सा, और अभी अगर हम लोग अभी जाएंगे ना तो बहुत लेट हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, तो लेट हो जाएगा, तो फिर अंधेरा हो जाएगा, फिर वो नहीं खेल पाएगा। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे अगर वो खेलेगा तो नहीं, यहाँ पास वाले जो गार्डन होता है जो हम पहले जाते थे वहीं जाएंगे। और देखो गुस्सा आ रहा है क्या कि देखो स्लाइड करने नहीं जा पा रहा? नहीं यार, स्लाइड नहीं होती है ना, सबको बोल दो हाय। केम छो मजा में जय श्री कृष्ण। मतलब वो हंसना चाहता, लेकिन ऐसे देखे वेट कर रही थी कोई मुझे हंसने के लिए, क्या मजा मके वो। जय श्री कृष्ण सीताराम। देखो कहाँ घूमी करने जा रहा है पाल पाले, गुड जॉब।
हाय सर। ब्रो ब्रो तो देखो कह रहा ब्रो हाय सर। हाँ अच्छा ब्रो हाय सर। नहीं पहले हाय सर तुम करो। नहीं पहले हाय ऐसे। अच्छा ऐसे करते हैं। ऐसे मारना नहीं होता है। ऐसे रखो पहले। ऐसे प्यार से होता है। तुम तो ऐसे मार रहे हो। मारना नहीं होता है भैया। ओए गिर जाओगे। शैतान कैसे। अरे तुम सब कुछ रिपीट क्यों करते हो। शैतान कैसे। नहीं देखो अच्छा बहू है। कैसा बहू है। अच्छा अच्छा कुछ भैया। कुछ भैया है। शैतानी कम करता है। शैतानी कम करता है। अरे देखो गुड नाइट बाय। अरे गुड नाइट बाय क्यों कर रहे हो। मतलब ये कि बस फोन रख दो अब। गुड नाइट बाय मतलब अब फोन रख दो मुझे लेके चलो। नहीं चप चप नहीं। अच्छा देखो आप पार्क जाएंगे। चाचा कीजिए गुड नाइट बाय। अच्छा सब्सक्राइब कीजिए गुड नाइट बाय। नहीं आप पार्क जाएंगे। आप पार्क जाएंगे। पार्क जाएंगे। मैं तुमसे पूछ रही हूँ भैया कि आप जाएंगे पार्क। तुमको बोलना है हाँ 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 ऐसे होता है। मैं उससे पूछ रही हूँ आप पार्क जाइए तो वो उल्टा मुझे ही पूछा जा रहा है। तो अभी मैंने सोच लिया कि मैं और देवू पार्क जा रहे हैं। वैसे मैंने ऊपर से ही सोच कही थी कि देवू को पार्क लेके जाऊंगी। यहीं जो ज़्यादा दूर नहीं है नोट पार्क नहीं जा पाएंगे लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा सा दूर है वो वहीं पे लेके जाऊंगी। लेकिन वो देवू के ऊपर मूड के ऊपर आधार होता है कि उसको जाना है या नहीं जाना है। तो अभी हम लोग वहाँ पार्क में जा रहे हैं और अभी आप देख सकते हैं आज थोड़े सा वैसे हल्का से ठंडी है वरना आज अभी 4-5 दिन पहले तो एकदम गर्मी लग रही थी 5:30 बजे भी। लेकिन अभी आज थोड़ा सा ठंडा है। कल भी थोड़ा सा ठंडा था लेकिन आज उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अभी आप देख सकते हैं व्यू बहुत अच्छा लग रहा है वैसे। देवू क्या हुआ बाबा क्या हो गया। पानी देख रहे हाँ तो फिर अच्छा चलो चलो चलो। तो देवू पानी देखने के लिए रुका है और ये देखिए ऐसे पानी दिखता है वो। चलो 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 घूमी घूमी चलो। देवू पहले स्वेटर नहीं पहन रहा था लेकिन फिर के अगर तुमको पार्क जाना है घूमी करना तो ये पहनोगे तभी लेके जाऊंगी क्योंकि मुझे बाहर आते ही ठंडा लगने लगा था इसीलिए मुझे सोचा इसको ठंडी लग जाएगी इसलिए पहना दिया। चलिए जल्दी पहन बैठो। तो अभी अभी स्कूल बस आई है यहाँ पे बच्चे उतरे हैं और हमें यहाँ से रोड क्रॉस करना है। अरे देव रन। अच्छा देव कह रहे हैं मैं रन कर रही थी इसीलिए। अच्छा रन गो रन। तो बस हम लोग पार्क पहुंचने वाले हैं। हम लोग पार्क में पहुंच गए हैं और हम लोग इस तरफ रोड साइड आ गए हैं। देवू को कार देखनी थी इसलिए। क्या नहीं वो नहीं करते हैं। देवू की ब्लू कार कहाँ है। कहाँ है ब्लू कार। ये हाँ क्या। तो देवू को वहाँ जाना है बीच में जो येलो येलो पत्थर का वो लगा हुआ है क्या। और देवू यहाँ कार देखने में लगा हुआ है अभी। और देवू अपनी कार भी लेके आया है ब्लू। अच्छा आज हम नीचे आओ नीचे उतरो भैया खेलो खेलो करो। देवू यहाँ आते ही कह रहा है स्लाइड करनी है और वो रोज तो स्लाइड नहीं करने जा पाते लेकिन अब हफ्ते में 1-2 बार हो जाता है वो ठीक है क्योंकि इतना दूर है वो वैसे भी। अगर वो जल्दी उठ जाए तो नहीं जा पाते। और 5:30 तो वैसे भी जब वो उठा था फिर बज गए थे तो उसको रेडी करना और सब तो वहाँ पे तो जाना मुश्किल ही था। अगर 5 बजे अगर वो उठ जाए तो भी जा सकते थे लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाता है वहाँ पे इसीलिए। और मेरा कान दर्द कर रहा है इसलिए मैं मुझे लगा कि शायद हवा ना वैसे हो जाए इसीलिए मैंने ना रुई भरा के रखी इसमें डाली हुई है ताकि मुझे ज़्यादा दर्द ना हो। पता नहीं आई थिंक 4-5 दिन हो गए जिससे मुझे दर्द कर रहा है और कल रात को तो थोड़ा सा खून भी निकल रहा था
पता नहीं क्यों दर्द कर रहा है, क्या हो गया। वैसे मुझे कोई चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन पता नहीं कैसे वो हो रहा है। और देबू यहाँ से अपनी साइकिल छोड़ के यहाँ तक आ गया है। क्या ये भी? हाँ, तो देबू को वहाँ जाना है, येलो येलो पत्थर पे, तो इसीलिए मैं मुझे बुलाया और कह रहा है हाथ पकड़ो हाथ। चलो देबू को यहाँ आना था, तो इसीलिए कह रहे थे वहाँ जाना है मुझे। नहीं, उसके ऊपर नहीं चढ़ते हैं, देखो कोई भी बच्चा नहीं चढ़ रहा है ना। तो देबू को इसके ऊपर चढ़ना है, लेकिन मैं मना कर रही हूँ। हाँ नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, देखो सब लोग इधर पार्क में खेल रहे हैं ना सब लोग। हाँ चलो चलो चलो, देखो बस, देखो टू टू बस। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा पार्क है, और ये फिर रोड साइड आ जाते हैं, फिर उस तरफ भी है और एक पार्क है, वहाँ पर भी हम लोग कभी कभार जाते हैं। देबू क्यों छुप रहा है? कौन ढूंढ रहा है देबू को? देबू क्यों छुप रहा है ये तो बताओ। नो 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 भैया, पत्थर से नहीं, पत्थर से नहीं, नहीं नो नो नो, पत्थर रख दो नीचे, पत्थर से नहीं खेलना है। ओके बस, गुड बॉय, आ जाओ, गुड जॉब। अच्छा देखो ये विच कलर की कार है देबू? विच कलर बस? ब्लैक। अच्छा ब्लैक, हाँ रेड, हाँ। कभी कभार हम लोग इस वाली बिल्डिंग में भी चल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्ले एरिया है और वहाँ पे नीचे मॉल और वो सब कुछ है, तो वहाँ पे छूट है ऐसे कि कोई भी बच्चा किसी भी बिल्डिंग से आके खेल सकते हैं। तो बेंच में आके बैठ गए और देबू खा रहा है बिकुट। देबू क्या खा रहा है? देबू आप क्या खा रहे हो? बिकुट खा रहे हो, मुझे दोगे? थैंक यू, तुम खा लो, लो ओके। देबू अच्छा बहु है, सबको देता है, सबको देता है। हाँ सबको देता है। देबू ABCD बोलता है? देबू कैसे बोलता है? ABCD LNP QR S U V W X Y Z। जी बस इतने में ABCD खत्म? नहीं ऐसी होती A B C बोलो सी। देवो ने फटाक से ABCD शॉर्टकट में पूरी कर दी। वैसे वो बोल लेता है, लेकिन कभी कभार उसका मन हो तभी बोलता है, वरना नहीं बोलता है। लेकिन ऐसे ऐसे करता है जैसे मुझे आती ही नहीं है, ताकि कोई उसको कहे ही नहीं कि तुम ABCD बोल दो। अच्छा 1 2 बोल दो। अच्छा ABCD बोलते हैं, बोलो फिर ABCD। ए नहीं बोलोगे? तभी वो देखने में लगा हुआ है उस तरफ और बिस्किट खाने में लगा हुआ है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया जो शुरू में कि यहाँ पे वो काम चला, यहाँ पे बाकी रह गया था इस तरफ, तो वो भी कंप्लीट हो गया है एक हफ्ते से पहले से। तो यहाँ पे हर जगह लगा दिए ताकि बच्चे उस तरफ ना जा पाए। क्या उसमें नहीं चढ़ते भैया? वो चोटों लग जाती है, देखो कोई भी बच्चा नहीं चढ़ रहा है ना, तो देखो को ये इस पे करना है। क्या करना है भैया, क्या करना है वो तो बताओ। अच्छा उछल कूद करनी है, करो। अरे अरे उसमें फंस जाओगे बीच में। नो नो नो, अरे कैसे? अरे अरे फंस जाएगा, अरे निकल गया देवू तो। शुरू से हमारी फेवरेट जगह यही है खेलने की, जब से मैं देबू को इस वाले पार्क से लेके आती हूँ तब से यही वाली हमारी जगह हुआ करती थी। लेकिन बीच में फिर यहाँ पे काम चल रहा था तो उस तरफ लेके चली जाती थी, क्योंकि उसको पानी देखना अच्छा लगता था, और कभी कभार उधर चली जाती थी सब बच्चों के साथ। लेकिन सब बच्चों के सामने खेलता कम है और ये खुद ही भागने लगता है पानी की तरह, तो इसलिए बस यही हमारी फेवरेट जगह थी ये वाली। लेकिन यहाँ पे फिर काम चल रहा था तो, और यहाँ पे वो लगा हुआ था तो चारों तरफ
तो इसलिए डर था कि उसको कहीं चोट ना लग जाए वो, क्योंकि वो कभी कभार बात सुनता है, अभी नहीं है, उसको देखना होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो इसीलिए बस फिर उधर देखो को पानी देखना अच्छा लगता है तो उधर खेलने के लिए चले जाते थे। हाँ नहीं उस पर नहीं बैठते भैया, चोटू लग जाती है। आ जाओ, 1 2 3 रन करो, रन देव, इधर इधर से दिखेगा, इधर आ रन करो। अरे 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 सारा सारा चोटू लग जाएगी भैया, रन कर दिया, रन कर दिया, वापस से कर रहे हो। प्लेन देखना है भैया, अभी निकलेगा तो दिखाऊंगी मैं तुमको, अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है चारों तरफ प्लेन। देखो को प्लेन देखना कह रहे हैं, प्लेन दिखा प्लेन, तो अभी तो एक भी नहीं निकल रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है। कैसे देबो? तो देबो ऐसे हाथ में जो एकदम लकड़ी की वो डंडी लेके एकदम ऐसे बजा रहा है। आनंद मुझे लग जाएगी, मुझे लग जाएगी। कैसे देबो भैया करता है? अरे 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 मुझे चोटू लग जाएगी, मुझे चोटू लग जाएगी। आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप सब कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं रोज़ कमेंट पढ़ती हूँ आप सबके। एंड थैंक यू सो मच मेरे वीडियोज़ देखने के लिए। देखो बाय बाय, इधर देख लो। बाय गाइस, कल मिलेंगे नए लोग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। अरे 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 बाय, नहीं बाय बोल दो, बाय टाटा टाटा, कल मिलेंगे, कल मिलेंगे नए लोग के साथ, नहीं नए लोग के साथ।